हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक हैंडपंप जिसमें भी पीने लायक पानी नहीं, पेयजल का अन्य कोई स्रोत नहीं, जल संकट से जूझ रहे हैं बागड़ी ढाणी के बाशिंदे। सांडेराव सुमेरपुर पंचायत समिति के ज्यादातर गांव और ढाणियों में इन दिनों भीषण गर्मी के मौसम में पेयजल की किल्लत बढ़ती जा रही है, जबकि जिम्मेदारों की ओर से इस विकट समस्या का समाधान नहीं करने से ग्रामीण अंचलों की महिलाओं को सर पर मटकियां लेकर दूर दराज के खेतों, कृषि और कुओं से लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये समस्या आने वाले दिनों में और भयंकर रूप लेगी। बागड़ी ढाणी की महिलाओं ने बताया कि लंबे समय से चुनाव के दौरान सांसद, विधायक, सदस्य समिति और सरपंच वोट बटोरने के लिए लोगों को पानी की शीघ्र व्यवस्था करने के नाम पर भ्रमित करते हैं, जबकि चुनाव जीतने के बाद आज दिन तक वो अपना चेहरा दिखाने भी नहीं आते हैं। खिमाड़ा रानावत ग्राम पंचायत के अधीनस्थ बागड़ी ढाणी के जागरूक युवाओं ने बताया कि आजादी के बाद आज दिन तक यहाँ के लोगों के पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ दो हैंडपंप हैं जिसमें पीने लायक पानी नहीं है। ग्राम पंचायत की ओर से पेयजल आपूर्ति की कोई व्यवस्था भी नहीं की जा रही। ग्रामीण बताते हैं कि हमने कई बार सरपंच पूजा देवासी को समस्या का समाधान करवाने के लिए लिखित और मौखिक रूप से अवगत करवाया है, मगर अफसोस कि आज दिन तक उनकी ओर से किसी भी तरह की व्यवस्था यहाँ शुरू नहीं करने से समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोगों ने बताया कि पेयजल समस्या को पोर्टल पर तथा सुमेरपुर SDM को बताया गया, मगर समाधान नहीं हुआ। ढाणी के प्रताप सिंह, उमवार सिंह, लच्छाराम देवासी, भवरपुरी, रतनपुरी, जोगोंद्रपुरी, नरेंद्र सिंह, गुनाराम सहित ग्रामीण जनों ने पाली जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजकर बताया कि समय रहते पेयजल आपूर्ति के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं हुई तो मजबूरन हमें सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा। इन्होंने बताया कि बागड़ी ढाणी में करीब 50 घरों की बस्ती है, जहां मात्र दो हैंडपंप एक स्कूल में तथा एक ढाणी में, और दोनों में पीने योग्य पानी नहीं है, जिसके चलते पेयजल की समस्या विकराल रूप ले रही है। जागरूक युवा प्रताप सिंह बागड़ी ढाणी, इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत की महिला सरपंच पूजा देवासी को समस्या हल करने व नियमित रूप से टैंकर व्यवस्था शुरू करवाने की मांग की गई, मगर उनके कान पर जू तक नहीं रेंगी। समाज सेवी नरेंद्र सिंह राणावत बागड़ी ढाणी का कहना है कि बागड़ी गांव में पीने के लिए पानी की पर्याप्त ग्रामीणों की ओर से बनाए गए टंकी है, मगर यहां से 1 किलोमीटर दूर बागड़ी ढाणी में लोगों को पेयजल की समस्या जूझना पड़ रहा है। अति शीघ्र टैंकर व्यवस्था शुरू करवाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। जागरूक टीवी के लिए सांडेराव से नटवर मेवाड़ा की रिपोर्ट।